हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज छठ पूजा का खरना है। तो छठ पूजा का खरना दूसरे दिन होता है। पहला दिन नहा खा, दूसरा दिन खरना। तो ये जो बर्तन है धोकर अभी धूप में मम्मी रख दी है। जो भी खरना में बर्तन यूज होंगे और ठेकुआ बनाने में, वो सब बर्तन पूजा वाला अलग ही होता है। तो उसको दिन में ही अच्छी तरह से धो लिया जाता है ताकि खरना के टाइम पे यूज कर सके। और यहाँ पे जलावन धूप में रखा हुआ है। तो ये सब जो जलावन है आम का है, और आम के ही लकड़ी से हम लोग के यहाँ खरना की खीर और ठेकुआ ये सब बनता है। तो दोस्तों, अब शाम का समय है, और शाम के समय से ही खाना बनना, खीर रोटी ये सब बनना शुरू हो जाता है। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, और मम्मी नहा ली है, और नहाकर अभी चूल्हा की पूजा कर रही है। तो पूजा में नया चूल्हा बनाया जाता है मिट्टी का, तो ये नया चूल्हा है। तो इसको अच्छी तरह से मम्मी नीप ली है, और यहाँ पे अब चूल्हा का सबसे पहले पूजा होता है। तो पूजा कर ली है, और अब इसमें आग जला रही है। तो आग जलाने में किसी भी दूसरे चीज़ का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे आग कपूर से जलाया जाता है, कोई भी किरासन तेल ये सब से नहीं जलाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी आग जलाने के बाद एक कढ़ाई चढ़ाई है। तो आज के दिन गुड़ वाला खीर बनता है। गुड़ को हमारे यहाँ मीठा भी बोला जाता है। तो अभी सबसे पहले मीठा को हिला रही है थोड़ा सा पानी डाल के कढ़ाई में, क्योंकि खीर में डायरेक्ट डाल देने से होता है कि कभी कभी खीर फटने का भी डर रहता है। और यहाँ खरना के लिए जितना चावल बनाएगी उतना निकाल कर मम्मी रख ली है, और दूध भी यहाँ पे रख ली है। खीर बनाने के लिए पानी या आटा गूंथने में भी यूज होगा पानी का, और यही बर्तन में खीर बनेगा। तो इसमें मिट्टी का लेवा लगाकर रख ली है, जिससे इसका पेंदी नहीं जले। और यहाँ पे गुड़ को पिघला रही है सबसे पहले। और छठ पूजा का खाना बनाने में आम के जलावन का ही यूज होता है हम लोग के यहाँ। तो एक तरफ मम्मी मीठा को पिघला रही है, और यहाँ पे दूध भी बर्तन में छान ले रही है ताकि गाय ये सब का कोई भी बाल ये सब नहीं रहे, चाहे कोई भी चीज। और अब दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दी है। जब दूध गर्म हो गया है तो चावल ये सब धो ली है, और अब चावल डाल रही है। तो खीर भी बन रहा है, और इधर खरना के लिए रोटी बनाने के लिए मम्मी आटा गूंथ रही है। तो ये जो आटा है, गेहूँ को अच्छी तरह से साफ सफाई करके धोया जाता है, और इसी आटा जो पिसाता है गेहूँ, उसी में से खरना के लिए रोटी भी बनता है, और उसी का दूसरे दिन ठेकुआ बनाया जाता है। तो आटा गूंथ ली है, और खीर भी कुछ देर में होने ही वाली है, थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अब खीर हो गई है, और मम्मी बनाने लगी है अब रोटी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे।
और यहाँ पे आज छठ पूजा का खरना है, तो मम्मी अभी खीर बना ली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और पूजा की ही सारी तैयारी यहाँ पे हो गई है और खीर भी बन गई है। और मम्मी यहाँ पे बना रही है अभी रोटी, तो थोड़ी देर में रोटी बन जाएगी, इसके बाद आगे का मम्मी पूजा करेगी। तो तब तक मैं चलती हूँ अपने किचन में खाना बनाने के लिए। दोस्तों, तो यहाँ पे मम्मी खरना की सारी तैयारी कर ली है और फिलहाल अभी रोटी थोड़ी सी बची हुई है बनाने के लिए, तो वो बना रही है। तो मैं चलती हूँ तब तक किचन में, खाना और भी बनाना है उसके लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में, चलती हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो आज बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी हम लोग यहाँ बनती है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू और गोभी की सब्जी। तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहें और फिर मैं आगे खरना कैसे यहाँ पर होती है वो सब दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, तो अब मैं किचन से आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। तो यहाँ मम्मी रोटी बनाने के बाद खरना की तैयारी कर ली है, खीर रोटी ये सब भगवान को चढ़ा दी है और दीपक ये सब भी जला ली है, आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग के यहाँ इसी तरीके से पूजा होता है खरने का। और यहाँ पे एक थाली में खुद के खाने के लिए भी निकाल ली है। दोस्तों, तो खरना के दौरान जब मम्मी खाएगी उस टाइम कोई नहीं मम्मी को टोकेगा, चुपचाप खाना है। तो अब खरना हो गई है यहाँ पे और इसके बाद घर के सभी लोग यहाँ पे आएंगे, प्रणाम करेंगे और एक एक के भगवान पे रोटी और खीर चढ़ा हुआ है वो प्रसाद के रूप में खाएंगे। तो ये प्रसाद है, जिनके यहाँ भी पूजा नहीं होता है उनके यहाँ हम लोग प्रसाद देते हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और सुबह ठेकुआ ये सब बने हैं, तो उसके लोग तैयारी है। मैं अभी कर कर रख दी हूँ और जो भी खाना है बर्तन ये सब गंदा हुआ था, सारे की साफ सफाई हो गई है। तो यहाँ चूल्हा भी लिप ली हूँ और ठेकुआ बनाने के लिए बर्तन, घी, पानी, सांचा और ये सब इकट्ठा रख दिया गया है ताकि सुबह जल्दी जगे और कोई भी चीज़ खोजना नहीं पड़े।
दोस्तों तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।